तो कैसे माने कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है? सबसे पहला है, आप प्रकृति यानी शरीर प्लस पांच तत्वों को चैलेंज करने लगोगे, प्रकृति बाधा नहीं बनेगी। दूसरा है, ज्ञान की क्लैरिटी होती जाएगी। आप जब बाबा के पास कोई टॉपिक लेकर के बैठे हो, उस टॉपिक की गहराई समझ आएगी, ज्ञान के गहरे राज समझ आएंगे, ड्रामा के गहरे राज समझ आएंगे। तीसरा है योग, आपका योग का चार्ट बढ़ता जाएगा, योग स्वतः ही होता जाएगा। जिस स्थिति में आप बैठना चाहोगे, आप लंबा समय तक बैठ पाओगे। बाबा का प्यार अपने आप अनुभव होगा, बाबा से हर संबंध का अनुभव कर पाओगे। चौथा है धारणा, धारणा स्वतः होती जाएगी, उसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आपका सतयुगी पुरुषार्थ हो जाएगा। पांचवा है सेवा, सेवा ऑटोमेटिकली होगी। सेवा में एक तरफ निमित्त भाव का नशा रहेगा और दूसरी तरफ निरहंकारिता रहेगी। छठा है संकल्प बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे, जो संकल्प करोगे वो सिद्ध होगा, आपकी स्थिति बहुत शक्तिशाली बन जाएगी और पवित्रता बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। आपका ऑरा बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, जो भी आपके संबंध संपर्क में आएगा उसको भी वो वाइब्रेशंस का अनुभव होगा, व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे, बाबा की टचिंग होगी, बाबा आपसे जो करवाना चाहते हैं हर चीज़ की टचिंग आपको बाबा देते रहेंगे। औरों के लिए समाधान स्वरूप बन जाओगे, बाप समान दृष्टि वृत्ति स्थिति संकल्प बोल कर्म होते जाएंगे। तन से और मन से हमेशा लाइट रहोगे, निर्विकारी निरहंकारी और निराकारी बनते जाओगे।